एक से मुझे कोई वैर नहीं है, विरोध नहीं है, बस जो असल चीज़ है उसको उससे थोड़ा उसको थोड़ा निभाया जाए, एकदम ही बदल देते हैं वो थोड़ा कुछ होता है, बाकी रिमिक्स तो अपनी अपनी अंदाज में अपनी अपनी तरह एक श्रद्धांजलि ही होती है। गाएँ सब अपने अंदाज में गाते हैं, सबको अधिकार है कि मुकेश जी का गीत हर एक सिंगर का गीत गाया जाए, इसीलिए आज 100वां साल देखा 47 वर्ष चले जाने के बाद जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हम को आवाज दो, हम हैं यहीं हम थे जहां, अपने यहीं दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहां, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं कीजिए दुआ कीजिए और आशीर्वाद कीजिए। बिल्कुल, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्द हमारी ऑडियंस के पास, मेरे फैंस के पास एक ऐसा छुपा हुआ जो एक जो अनमोल रतन जो है मेरे ऑफकोर्स ग्रैंडफादर ने जो हमें विरासत में शायद दी है, मैं ये मानना चाहूँगा कि मैं इतना सुरीला तो नहीं जितने मेरे दादाजी मेरे पिताजी हैं, बट इतना बेसुरीला भी नहीं, मैं गा लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो जाहिर सी बात है कि वो मैं आगे ज़रूर बढ़ाना चाहूँगा हमेशा, मैं कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों के पास जब पहुँचे तो उन्हें वो अंदाज मेरा अच्छा लगे, प्यार दे मुझे उस बारे में। तो धीरे धीरे मतलब पहले एक बतौर एक एक्टर के ज़रिए आया हूँ, फिर एक राइटर भी बना हूँ, एक प्रोड्यूसर भी बना हूँ, अब जी एक ये ज़रूर करना चाहूँगा और इसी साल मैं उम्मीद कर रहा हूँ उसकी भी चीज़ें जो हैं बहुत जल्द आपके सामने आएंगी। हाल ही में मैंने मगर एक मेरा एक म्यूज़िक वीडियो ज़रूर किया है जिसके लिए हमने दुबई में शूट किया है, मेरा पहला सिंगल वीडियो है जिसमें मैंने फीचर किया है, गाने का नाम है तू मेरी आशिकी और गाने के निर्देशक हैं अभय सुमन जी, मेरे साथ हैं श्रेया शर्मा जो कि एक डेब्यूटांट हैं और अमर झुनझुनवाला जी ने इस गाने को प्रोड्यूस किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ इसके आउटपुट से। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सिंगल के ज़रिए मैं हमारी एक वो म्यूज़िकल ऑडियंस के पास तक पहुँचूँ और फिर जी हाँ इसके बाद पहला कदम वही होगा कि मैं अपना खुद का एक गीत हमारे दर्शकों के पास। बहुत बहुत